तो दोस्तों नमस्कार, परीक्षा खबरी में स्वागत है आपका। आज है 15 फरवरी। 15 फरवरी की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। और दिल्ली सल्तनत चल रहा था इतिहास में, मिडुअल हम पढ़ रहे थे, प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे आप देखेंगे करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो स्टूडेंट्स डेली हमसे जुड़े हुए हैं वो लाभ पाएंगे। इतिहास के बाद हमारा भूगोल जियोग्राफी स्टार्ट होगा, थोड़ा रोचक बनाएंगे, मानचित्रों के साथ जो है पढ़ाई करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं, आज के महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं, क्योंकि आज उम्मीद करेंगे कि पूरा कंप्लीट करवा दें। जो दिल्ली सल्तनत है अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कल हमने गुलाम वंश में बलबन तक पढ़ा था, बलबन के पहले तक पढ़ा था, आज बलबन से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, पीएम ने, प्रधानमंत्री ने चेन्नई में, कहां पर, चेन्नई में सेना को मेन बैटल टैंक अर्जुन MK-1A सौंपा। मेन बैटल टैंक अर्जुन MK-1A नाम है इसको, कहां पर सौंपा, चेन्नई में सेना को। तो प्रधानमंत्री ने 14 फरवरी 2021 को अत्याधुनिक स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A को सेना को सौंप दिया। अर्जुन MK-1A को चेन्नई स्थित कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने जितर उल हदीद अभ्यास का आयोजन किया। अमन, अभी आपको मैंने बताया था कि अमन अभ्यास किया पाकिस्तान ने, जिसमें अमेरिका, रसिया, चाइना जैसे बड़े देश शामिल हुए। अभी जितर उल हदीद अभ्यास का आयोजन किया है। पाकिस्तानी सेना सिंध प्रांत में थार रेगिस्तान में 1 महीने का अभ्यास कर रही है, ताकि एक चरम रेगिस्तानी वातावरण में संघर्ष की तैयारी की जा सके। जिदर उल हदीद नामक का नाम का अभ्यास 28 जनवरी को शुरू हुआ और 28 फरवरी को समाप्त होगा। किस देश ने ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है? दोस्तों, भारत स्पेस या इसरो को अगर कर लें, जो भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है, सबसे बड़ी इकाई है, प्रमुख इकाई है, अब ये निजी क्षेत्र में अपने कदम रख चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक बड़ा कदम माना जाता है, माना जा सकता है, ठीक है। अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो ने जो अभी तक की उपलब्धियां दर्ज की हैं, उन उपलब्धियों का लाभ उठाने का अब समय आ गया है। तो इसी के चलते, इसी क्रम में इसरो ने हाल ही में ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया। इस नीति को मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। यह नीति मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए स्टार्टअप और स्थानीय उद्योग की सहायता करने का प्रयास करती है। इसरो ने मिशन के लिए आवश्यक तकनीकों का अध्ययन करने के लिए एक 2 सदस्यीय टीम भी गठित की है। पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारियो द्रगही, क्या नाम है, मारियो द्रगही, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ध्यातव्य है कि ये गुइसेप्पे कांटे की जगह लेंगे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब इटली में कोरोना वायरस के चलते काफी आलोचना उनको झेलनी पड़ी थी। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों में विफलता के कारण अपनी गठबंधन सरकार से बहुमत समर्थन वापस लेने के बाद इस्तीफा दे दिया था। उनके स्थान पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारियो द्रगही ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है, शपथ ग्रहण किया है इटली में। तो महत्वपूर्ण है, प्रश्न आएगा, जो हटा है उसका भी नाम आ सकता है और जो नया आया है उसका भी नाम आ सकता है। उड़ीसा भुवनेश्वर में करेगा कोविड मारियर मेमोरियल का निर्माण, ध्यान रखेगा, महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं द्वारा बलिदान और सेवाओं की पहचान करने के लिए सरकार ने उड़ीसा में एक कोविड योद्धा स्मारक बनाने का फैसला किया है। कहां पर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। कुछ क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर्स के देख लेते हैं। T20 क्रिकेट में कौन सी टीम 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली, ध्यान रखिएगा, मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है T20 क्रिकेट में। तो
तो पाकिस्तानी टीम, ध्यान रखिएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है करंट अफेयर्स का, पाकिस्तानी टीम T20 क्रिकेट 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है विश्व की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किस योजना का शुभारंभ किया, किस योजना का शुभारंभ किया भैया, निःशुल्क कोचिंग योजना जिसका नाम की अभ्युदय है, इसका आरंभ किया। जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क कोचिंग देने के लिए विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, IIT PMT से लेकर के NET JRF से लेकर के जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं आपके IAS PCS जो आप वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, तो आप इनरोल होकर के सरकार के इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हालांकि ये कितना सफल होगा आने वाले समय में, चूंकि पूंजी की वित्तीय जो व्यवस्था है इसके लिए वो बड़ा एक बड़ी चुनौती है, ठीक है, उससे कैसे सरकार निपटेगी, कैसे वित्त उपलब्ध करवाएगी, क्योंकि कोई भी ऑफलाइन समय देगा तो उसको थोड़ा सा, ऑनलाइन अगर ये व्यवस्था हो जाती है तो और ज़्यादा बेटर पड़ेगा, है ना, और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों के और विकल्प खुलेंगे। तो विकल्प देना अच्छी बात है, सरकार का एक अच्छा कदम है, इसकी हम सभी को सराहना करनी चाहिए। बस ये है कि सफल हो जाए अपने उद्देश्य में। केन्या की किस धाविका ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14:43 में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बीट्राइस चेपकोच ने। तो केन्या की किस धाविका ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14:43 में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बहुत महत्वपूर्ण है, बीट्राइस चेपकोच केन्या की है, ध्यान रखिएगा। ये मिनट में कभी कभी PCS ऐसे ही प्रश्न ढूंढता है, बोलेगा कितने समय में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है दौड़ करके, तो 14:43 में 5 किलोमीटर दौड़े हैं। भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर किस देश की सरकार को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाए हैं, तो सीरिया को, ठीक है, सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल भारत ने उपलब्ध करवाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन दो भारत वंशियों को अमेरिकी काप्स का निदेशक एवं चीफ ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पद पर नियुक्त किया है, तो क्रमशः सोनाली निजामन को, इनको अमेरिकी काप्स का निदेशक, और प्रेस्टन कुलकर्णी को चीफ ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पद पर नियुक्त किया है। जो बाइडेन ने अपने प्रशासन में, अपने मंत्रालय में बहुत सारे भारतीयों को सम्मिलित किया है, उन सबको आपको याद रखना होगा, जैसे प्रीति पटेल हो गई, बहुत सारे लोग हैं जिनसे जुड़े प्रश्न है वर्तमान में पूछे भी जा रहे हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। अमेरिका ने यमन के किन विद्रोहियों को, जैसे प्रीति पटेल है ना, इंग्लैंड में प्रमुख गृह सचिव के पद पर थी, अभी हाल ही में कुछ और उनको तब्दीली, कुछ और अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनसे जुड़े कुछ प्रश्न आए थे। तो भारतीयों की जहां जहां नियुक्ति हो रही है, जैसे अमेरिका में जो बाइडेन कर रहे हैं, तो वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं भविष्य में। अमेरिका ने यमन के किन विद्रोहियों को दिए आतंकी समूह का दर्जा समाप्त करने का फैसला किया है, हूथी विद्रोहियों को, ये यमन के विद्रोही है, ध्यान रखिएगा, इनको आतंकी समूह का दर्जा ट्रंप के समय दिया गया था, इसको समाप्त करने का फैसला अमेरिका ने किया है। 3 भारतीय पर्वतारोहियों नरेंद्र सिंह यादव, सीमा रानी और उनके भारतीय टीम लीडर, क्या नाम था, नाबा कुमार फुकोन को एवरेस्ट फतह करने का दावा फर्जी निकलने के कारण नेपाल सरकार ने 6 वर्ष का बैन लगा दिया है, ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष का बैन लगा दिया है, किसके किसके ऊपर, नरेंद्र सिंह यादव, सीमा रानी, उनके भारतीय टीम लीडर नाबा कुमार फुकोन, इन्होंने एवरेस्ट फतह करने का फर्जी दावा किया था, जांच में ये बात सामने आई और नेपाल सरकार ने 6 वर्ष का बैन लगा दिया है। टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, याशिरो मोरी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, चर्चा में आए थे, तो आपको पता है 2020 में ओलंपिक होने थे टोक्यो में, पता अब 2021 में होने हैं। VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीत लिया है, तो VLCC फेमिना मिस इंडिया, मतलब मिस इंडिया वही जो प्रोग्राम होता है, इस बार VLCC ने करवाया था, तो VLCC प्रायोजक है, तो उसका नाम तो होगा ही है। तो 2020 मिस इंडिया कौन रही, मानसा वाराणसी, इनका नाम है, क्या नाम है, मानसा वाराणसी नाम है। जल के बेहतर संचयन को लेकर जल शक्ति मंत्रालय ने देश के किस पहले एयरपोर्ट को राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार सम्मानित किया है, किसको, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जल के बेहतर संचयन को लेकर के, जो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार देश के
किस पहले एयरपोर्ट को पूछ रहा है, तो ये पहला एयरपोर्ट है जिसको ये राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। किस वरिष्ठ पत्रकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, प्रदीप सरदाना को, प्रदीप सरदाना को, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इनको जानते होंगे, अक्सर डिबेट में आप देखते होंगे इनको, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। चलिए इतिहास में आ जाते हैं और दिल्ली सल्तनत हमारा आज जहां जहां से पढ़ लिया था उन्होंने, वहां के बाद से स्टार्ट करेंगे। यस, वाराणसी की नहीं है, तेलंगाना की है, वेरी गुड, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानसा वाराणसी इनका नाम है और ये है तेलंगाना की, ठीक है, नाम पे मत जाइएगा, वाराणसी नाम है बट ये तेलंगाना की है, वाराणसी उनका टाइटल होगा। एबक हो गए थे, आराम शाह हो गए थे, इल्तुतमिश हो गए थे, और इल्तुतमिश हो गए थे, फिरोज शाह हो गए थे, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद हो गए थे, गयासुद्दीन बलबन। तो हम बलबन से स्टार्ट करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 सन, ये काल भी याद रखिएगा, कालखंड याद रखिएगा, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन इसका वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था। हमने जैसा कि बताया 40 जो सरदार होते थे उनमें से एक सरदार था ये, और इसने सारी जितनी बदमाशी थी सरदारों की देख ली थी कि राजा के साथ सरदार क्या करते हैं, तो इसने पहले ही मन में ठान लिया था कि मैं राजा बनूंगा, सुल्तान बनूंगा, तो सबसे पहले इनको ठिकाने लगाऊंगा, और वही उसने किया। शासक बनने के बाद उसने खत्म कर दिया चिहलगान को, ठीक है, क्योंकि उसी में था और जानता था इनकी बदमाशी को अच्छे तरह से, किस तरह से शासन में दखलंदाजी इनकी है। तो उसने 1266 से 1286 तक राज्य किया। गयासुद्दीन बलबन जाति से इलबरी तुर्क था, बाल्यकाल में ही मंगोलों ने उसे पकड़ करके बगदाद के बाजार में दास के रूप में बेच दिया था। ख्वाजा जमालुद्दीन अपने अन्य दासों के साथ उसे 1232 ईस्वी में दास के रूप में ही दिल्ली लाया था। इन सबको बाद में सुल्तान इल्तुतमिश ने खरीद लिया। आता भी है कि किसने खरीदा था इसको, तो इल्तुतमिश ने। इस प्रकार बलबन इल्तुतमिश के चेहलगान जो 40 सरदारों का संगठन था, तुर्काने चेहलगानी जिसको बोलते थे, नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल का सदस्य था। इसकी उपाधि जिल्ले इलाही थी, ध्यान रखेगा किसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, तो गयासुद्दीन बलबन ने धारण की थी। कई बार प्रश्न आ चुका है, इसके जो प्रमुख कार्य थे, सुल्तान के पद पर बैठते ही चालीसा का प्रभाव समाप्त कर दिया, चालीसा को इसने समाप्त कर दिया जो तुर्काने चेहलगानी थी। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश के परिवार के शेष लोगों को इसने मरवा दिया। बंगाल से सूबेदार तुगरिल खान ने 1276 ईस्वी में इसके खिलाफ विद्रोह किया था, जिससे क्रुद्ध होकर इसने उसको भी मरवा दिया। बलबन का जो सिद्धांत था, जो प्रमुख सिद्धांत है, बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधित्व मानता था, अर्थात इसने राजत्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की, आ सकता है बलबन ने राजत्व का सिद्धांत जो था कि राजा अल्लाह का या ईश्वर का प्रतिनिधि होता है वो मानता था, उसके अनुसार सुल्तान जिल्ले अल्लाह है अर्थात ईश्वर की परछाई है, इस तरह से इसने जिल्ले इलाही का खिताब धारण किया। बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधित्व मानता था, उसके अनुसार सुल्तान जिल्ले इलाही है अर्थात ईश्वर की परछाई है। बलबन के द्वारा जो प्रचलित नियम थे रक्षा की दृष्टि से, सामान्य लोगों से सुल्तान नहीं मिल सकता था, ध्यान रखिएगा, सामान्य लोगों से अपने आप को दूर किया। सिक्कों पर इसने अपना नाम खुदवाया और खुतबा में खलीफा का नाम भी पढ़वाया, ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है किसने सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया और खुतबा में खलीफा का नाम पढ़वाया, तो बलबन ने। उच्च वंशी लोगों को ही इसके काल में पदाधिकारी बनाया जाता था। बलबन एकांत में रहता था, हर्ष या शोक से बहुत विचलित नहीं होता था,
ये व्यक्तिगत उसकी विशेषताएं थी। शराब पीना एवं मनोरंजन के कार्य उसने बंद कर दिए थे। उसने राज दरबार में सिजदा और पेबोस की प्रथा प्रारंभ की। ध्यान रखिएगा, सिजदा और पेबोस की प्रथा किसने प्रारंभ की? बलबन ने। कोई भी होठों पर मुस्कुराहट नहीं ला सकता था। ध्यान रखिएगा, इसके दरबार में ये प्रचलित था कि कोई मुस्कुरा नहीं सकता था, ठीक है? तो इतना अनुशासन था इसके दरबार में। समकालीन कवि, एक बात और है कि लौह और रक्त की नीति इसने अपनाई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आता है कि बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, इसके बाद किसने अपनाई, ये भी आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो समकालीन कवि इसके अमीर खुसरो, अमीर खुसरे तो लगभग 6 से 7 जो शासक रहे दिल्ली सल्तनत के, उनके काल में रहा, मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ये बहुत ज्यादा इसकी प्रबल भूमिका रही। अमीर हसन भी इसके समकालीन था। इसकी मृत्यु 1286 ईस्वी में मंगोली संघर्ष में अपने ज्येष्ठ पुत्र के मारे जाने के शोक में हो गई थी। ध्यान रखिएगा, कैकुबाद की बात करें तो 1286 से 1290 ईस्वी कैकुबाद, बलबन ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपने ज्येष्ठ पुत्र के पुत्र अर्थात पौत्र कै खुसरो या कैकुबाद भी बोलते थे, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन की मृत्यु के बाद कूटनीति के द्वारा कै खुसरो को मुल्तान की सूबेदारी देकर कै खुसरो दूसरा था, कैकुबाद को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा दिया था। किसने? फखरुद्दीन मोहम्मद ने। कैकुबाद अथवा कैकुबाद 1286 से 1290 तक इसका शासनकाल रहता है। बहुत ही छोटी उम्र में 17 से 18 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया था। कैकुबाद ने गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया। थोड़ा क्रम याद रखिएगा, बलबन के बाद कौन आया? कैकुसरो, और उसके बाद कैकुबाद, ठीक है? कैकुसरो, फिर कैकुबाद आता है। तो कैकुबाद अथवा कैकुबाद को 17 से 18 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया था। कैकुबाद ने गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया था, वही जलालुद्दीन खिलजी जिसने बाद में खिलजी वंश की स्थापना की, जिसका तुर्क सरदारों पर बुरा प्रभाव पड़ा। तुर्क सरदार बदला लेने की बात को सोच ही रहे थे कि कैकुबाद को लकवा मार गया। लकवे का रोगी बन जाने के कारण कैकुबाद प्रशासन के कार्यों में अक्षम हो गया। हिंदी लिटरेचर, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हिंदी लिटरेचर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, इनकी क्लास स्टार्ट हो गई है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन PSIR भी मौजूद है। जो भी आप लोग, हिस्ट्री भी है, आप लोग क्लास करना चाहते हो तो स्टार्ट हो गया है। हमसे आप संपर्क कर लें त्वरित रूप से। जिसमें से समाजशास्त्र मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ, और समाजशास्त्र में कुछ क्लासेस हो गई हैं, अभी आप लोग कवर कर सकते हैं। तो एक अच्छा रुचिकर विषय है, कोई ऐसा मैंने आपको बताया भी था एक क्लास में समाजशास्त्र के बारे में सब कुछ, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। और समाजशास्त्र के सिलेबस को बहुत ही संक्षिप्त मैंने समझा दिया है, 1 घंटे में संपूर्ण सिलेबस को, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, रुचिकर है तो उसको ले लीजिए। बाकी अन्य भी कोई विषय लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। शमशुद्दीन क्यूमर्श इसके बाद 1290 में आता है। शमशुद्दीन क्यूमर्श भारत में गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखिएगा, ये पूछता भी है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्श था, शमशुद्दीन क्यूमर्श। कैकुबाद को लकवा मार जाने के कारण वह प्रशासन के कार्यों में बुरी तरह अक्षम हो चुका था। प्रशासन के कार्यों में उसे अक्षम देख करके तुर्क सरदारों ने उसके 3 वर्षीय पुत्र शमशुद्दीन क्यूमर्श को सुल्तान घोषित कर दिया। कालांतर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उचित अवसर देख करके शमशुद्दीन का, जो कि अबोध था, उसका वध कर दिया। शमशुद्दीन की हत्या के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली के तख्त पर स्वयं अधिकार कर लिया। इस प्रकार से बाद में दिल्ली की राजगद्दी पर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। अब खिलजी वंश में आ जाइए। खिलजी द्वारा सत्ता स्थापित करने को क्रांति कहा जाता है। इतिहास में इसको क्रांति के नाम से जाना जाता है। हालांकि इतिहासकारों में इस बात को लेकर भी मतभेद था कि खिलजी तुर्क थे या नहीं थे।
खिलजी क्रांति इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह राज्य जाति उच्चता या खलीफा की स्वीकृति पर आधारित नहीं था। इसके पहले क्या था, खलीफा स्वीकृत करता था सुल्तान सुल्तानी को, लेकिन यहाँ पर वो खलीफा की स्वीकृति पर आधारित नहीं था बल्कि शक्ति के बल पर आधारित था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान की हत्या करके खिलजियों की को दिल्ली का सुल्तान बनाया था, क्यूमर्श की हत्या की थी। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी कालखंड को याद रखेगा तक राज किया। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी, जिसका की शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा, सबसे प्रसिद्ध और सबसे योग्य शासक था। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जिसको अलाउद्दीन भी कहते थे, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी इसके बाद आता है, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो कि बहुत ही बदनाम भी था, आपको पता होगा इसके बारे में, नासिरुद्दीन खुसरो शाह या खुसरो, ये इसके बाद आया था, तो इस क्रम में याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। 1290 से 1296 एक छोटा शासनकाल इसका कालखंड में रहा। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का संस्थापक यही था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्श की हत्या करके शासक बना था। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो सैनिक के रूप में अपना जीवन इसने प्रारंभ किया था, एक सैनिक के रूप में। हिंदी लिटरेचर अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, साहित्य है, साहित्य में इंग्लिश और हिंदी का कोई वो नहीं रह जाएगा, ठीक है। और सरलता में जाना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी में आइए। हिंदी साहित्य को एक बार सिलेबस देख लीजिएगा कि आप पढ़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि साहित्य पढ़ना जो है उसको समझना एक कठिन कार्य है, और आप एक बार हिंदी साहित्य जरूर पढ़ लें, सरल तो है, संक्षिप्त विषय भी है, संक्षिप्त है, लेकिन बहुत लोगों को बाद में जाकर दिक्कत हो जाती है। तो आप पहले देखिए, कुछ गद्य पढ़िए, पद्य पढ़िए, मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा कठिनाई शब्दों को पढ़ने में तो नहीं हो रही है, समझने में तो नहीं हो रही, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी तो आप मेहनत करेंगे जिस चीज़ में, वो तो आपकी बेटर हो भी जाएगी। लेकिन अगर कोई पूछे कौन बेटर है, तो मैं साहित्य के विषय को ऊपर पायदान पर रखूँगा और उसके बाद मैं किसी भी विषय को रखूँगा। साइंस का सबसे पहले, साइंस का कोई विषय, उसके बाद फिर साहित्य, और उसके बाद फिर आर्ट्स के विषय रखूँगा, आपको अगर चयन करना हो तो। लेकिन आप जब मेहनत करेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे किसी भी विषय में, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी पूर्वाग्रह आप इस तरह का न रखें कि आप कितना भी अच्छा करके आएंगे आपको खराब अंक मिलेंगे। ऐसा कभी कभी हो जाता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण उसको कह सकते हैं, लेकिन आप अच्छा करेंगे तो अगर एक बार गड़बड़ होगा तो दोबारा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग विश्वास करके अपनी तैयारी करें। वैकल्पिक विषय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए उसको चुनाव में थोड़ा सा सावधानी बरतें। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही वैकल्पिक विषय के चयन में, आप मुझसे विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को सब कुछ तो मालूम है, हमारा कॉन्टेक्ट मालूम ही है, टेलीग्राम पे भी आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उत्कर्ष द्विवेदी के नाम से सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, अनअकैडमी उत्कर्ष द्विवेदी ये आ जाएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, ग्रुप में अपनी समस्या लिखिए, हम आपको पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं। जलालुद्दीन यहाँ पर अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर देना मना है, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ आपको, अन्यथा यहाँ भी दे सकता है, ऐसे कोई बात नहीं, बस नियम तो नियम। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक जीवन सैनिक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था इसने। योग्यता के बल पर उन्नति करता हुआ जलालुद्दीन सेनानायक एवं सूबेदार बन गया था। कैकुबाद के सुल्तान बनने के बाद वह आरिजे मुमालिक बन गया एवं शाइस्ता खां की उपाधि धारण करने लगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दो बार आपके UPPCS जो मुख्य परीक्षा होती थी वहां पूछा गया है। तो ये प्रारंभिक जीवन की बात करें तो देख लिया आपने। राज्यारोहण की बात करें तो तत्कालीन शासक कैकुबाद एवं केमुर्स की हत्या कर 1290 ईस्वी में, क्यूमर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में
किलखुरी में स्वयं को सुल्तान, ये स्थान पूछता है कहां पर सुल्तान घोषित किया था, किलखुरी में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी ग्रहण की थी, 13 जून 1290 में। राजधानी तो जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कैकुबाद द्वारा बनाए गए किलोखरी के महल में हुआ था। आता भी है कि किलोखरी का महल किसने बनवाया था, कैकुबाद ने। इसने अपनी राजधानी जो है जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी को ही बनाया था। प्रमुख घटनाएं जो थी इसके काल की, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रखा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। खिलजी की नीति दूसरों को प्रसन्न रखना थी, अर्थात जनता जब प्रसन्न रहेगी तो राजा उससे मजबूत होगा, इसका मानना था। जलालुद्दीन खिलजी ने सीदी मौला जो ईरान से आया हुआ फकीर था, इसने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था और उसे हाथी पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। किसको, सीदी मौला को, जिसने जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, चूंकि ये खलीफा को नहीं मानता था, ठीक है, उसके आदेश को वैल्यू नहीं देता था। तो ईरान से एक फकीर आया था जिसने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, उसको पकड़ करके हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री की शादी उलूग खां से कर दी तथा नवीन मुसलमानों के रहने के लिए मुगलपुर नामक बस्ती बसाई थी। तो मुगलपुर नामक बस्ती किसने बसाई थी, फिरोज खिलजी ने, किसके लिए, जो नए जो कन्वर्ट मुसलमान होते थे उनके लिए। जलालुद्दीन के काल में ही मुसलमानों का दक्षिण भारत जिसको देवगिरी कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। तो देवगिरी में आक्रमण जब किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, उस समय जलालुद्दीन खिलजी का दिल्ली सल्तनत पे शासन था। प्रमुख कवि वही अमीर खुसरो कुल 7 शासकों का शासन काल इसने देखा था, पूछता भी है परीक्षा में। जलालुद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन देहलवी जैसे प्रख्यात व्यक्ति रहते थे। मृत्यु इसकी देखी जाए तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के षड्यंत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग की सहायता ली, जिसे बाद में उलूग खां की उपाधि से विभूषित किया गया। यही अलमास बेग ही था उलूग खां। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने उदार चाचा की हत्या कर, दिल्ली कहां से उदार था बताइए, इतने छोटे क्यूमर्श की हत्या की थी लेकिन उदार फिर भी कर दी। यही हमारा इतिहास है, कितना गलत इतिहास आपको पढ़ाया जाता है कि इतनी निशंस हत्या एक छोटे से बालक की, एक गद्दी प्राप्त करने के लिए इसने की, उसको उदार बताया जाता है, उसको महान बताया जाता है, लेकिन इतिहास है जो पढ़ाया गया है, पढ़ी क्या करना है, नींव ही गलत है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने उदार चाचा की हत्या कर दिल्ली के तख्त पर 22 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। कहाँ पर, बलबन के लाल, बलबन ने एक लाल महल बनवाया था उसी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था 1296 में। इसने चाचा की गले मिलकर के हत्या कर दी थी, आपको पता ही होगा, मूवीज में भी आपने देखा होगा। अलाउद्दीन या अलाउद्दीन खिलजी जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है दिल्ली सल्तनत में, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म जुना मोहम्मद खिलजी के नाम से हुआ था। इसका नाम जुना मोहम्मद खिलजी था। वे खिलजी साम्राज्य के दूसरे शासक थे जिन्होंने 1296 से 1316 तक शासन किया था। उस समय खिलजी साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। अपने साम्राज्य में उन्होंने खुले में मदिरा के सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, महत्वपूर्ण फैक्ट है। राज्याभिषेक की बात करें तो अपने चाचा को छल से मार करके 12 जुलाई 1296 को स्वयं को सुल्तान घोषित किया। 12 अक्टूबर 1296 को विधिवत रूप से राज्याभिषेक करवाया लाल महल में। प्रमुख घटनाएं इसके काल की तो सिकंदर सानी अपने आप को कहता था, अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर के अलाउद्दीन सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण की थी और इसका उल्लेख उसने अपने सिक्कों पर भी करवाया है। उसने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म को स्थापित करने के अपने विचार को अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क को समझाने पर त्याग दिया था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो सिकंदर की तरह विश्व विजय करने का उसका एक सपना था और नवीन धर्म की स्थापना अकबर के पहले इसने जो सोच लिया था, अला उल मुल्क ने समझाया था कि ऐसा मत करो, ये पागलपन है,
तो उसके कहने पर त्याग दिया था। वह पहला मुस्लिम शासक था जिन्होंने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया था और जीत हासिल की थी। पहली बार दक्षिण भारत में विजय अलाउद्दीन खिलजी को ही प्राप्त हुई थी, ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के शासकों में। अलाउद्दीन खुद को दूसरा अलेक्जेंडर भी कहता था। अपने साम्राज्य में उसने खुले में मदिरा के सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक लाइन छूट गई है। कहा जाता है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को पाने के लिए उसने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस युद्ध का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावती लिखा है या पद्मावत, जिस जो आपने मूवी देखी, आपने देखा ही पद्मावत, इसने इसी ने रचना की है उसकी। अवधी भाषा में 1540 में अपनी कविता पद्मावत में इसका उल्लेख किया है, जिसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, हर किसी को मालूम। अलाउद्दीन ने 1305 में मालवा और 1308 में राजस्थान के सिवाना किले सहित उत्तर में कई साम्राज्यों पर कब्जा किया। प्रायद्वीपी भारत गवाह रहा मदुरे के विनाश का। इसने जबरदस्त वहां पर आक्रमण किया था। 1310 ईस्वी में द्वार समुद्र के होयसल साम्राज्य और 1311 ईस्वी में पांड्य साम्राज्य पर आक्रमण किया और साथ ही साथ 1313 ईस्वी में दिल्ली के लिए देवगिरी अनुबंध की। ध्यान रखिएगा, ये क्रम से याद रखिएगा, मालवा, फिर सिवाना, फिर द्वार समुद्र, ठीक है, उसके बाद पांड्य, उसके बाद फिर दिल्ली के लिए देवगिरी अनुबंध। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में कुछ विद्रोह भी हुए, जिनमें 1299 ईस्वी में गुजरात के सबल अभियान में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर नवी मुसलमानों द्वारा किए गए विद्रोह का दमन किसने किया था? नुसरत खान ने किया था। ये प्रश्न आया भी है कि गुजरात में जो धन बंटवारे को लेकर विद्रोह हुआ था उसका दमन किसने किया था? नुसरत खान ने। निर्माण कार्य की बात करें तो अलाई दरवाजा स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार, वृत्त के आकार का है अलाई दरवाजा, अथवा कुश के शिकार का निर्माण, इसको कुश के शिकार भी कहते हैं, निर्माण करवाया। उसके द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। मृत्यु की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के जीवन के अंतिम दिन काफी दर्दनाक थे। उनकी अक्षमता का फायदा लेते हुए उसका जो कमांडर था मलिक काफूर, जिसके बारे में, जिससे उसके संबंधों के बारे में काफी आपने पढ़ा होगा, उसने साम्राज्य को हथिया लिया था। उस समय वे निराश और कमजोर हो गए थे, और कौन, अलाउद्दीन खिलजी साहब, और 1316 ईस्वी में ही मृत्यु हो गई थी। शियाबुद्दीन उमर खिलजी, खिलजी 1316 ईस्वी में यह शासक बना था। शियाबुद्दीन उमर खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। कौन था? पुत्र था। मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को उत्तराधिकारी न बनाकर अपने 5-6 वर्षीय पुत्र शियाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर सारा अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया। लगभग 35 दिन के सत्ता उपभोग के बाद काफूर की हत्या अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खिलजी ने करवा दी थी। ध्यान रखिएगा, काफूर की हत्या के बाद वह स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन गया और कालांतर में बाद में उसने शिहाबुद्दीन की आंखें फुड़वा दी थी और उसको कैद करवा लिया था और स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। मुबारक खिलजी जो था दोस्तों, खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र था। अलाउद्दीन के प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक मलिक काफूर इसका संरक्षक था, लेकिन बाद में इसने मरवा दिया था। कुछ समय बाद मलिक काफूर स्वयं सुल्तान बनने का सपना देखने लगा। उसने षड्यंत्र रचकर मुबारक खिलजी की हत्या करने की योजना बनाई, किंतु मलिक काफूर के षड्यंत्रों का उसे पता चल गया और मुबारक खिलजी ने 4 वर्ष तक सफलतापूर्वक इसको मरवाने के बाद शासन किया। इसके शासन काल में राज्य में प्रायः शांति व्याप्त रही। इसके जो सुधार कार्य थे, उसने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया, अपने सैनिकों को 6 माह का अग्रिम वेतन प्रदान किया, विद्वानों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छीनी गई सभी जागीरें उसने वापस कर दी। ये सब आ चुका है प्रश्न, अलाउद्दीन यूपीएससी का प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर दंड व्यवस्था एवं बाजार नियंत्रण वाली, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन की सबसे बड़ी व्यवस्था जो थी, बाजार नियंत्रण व्यवस्था,
और क्या थी, अलाउद्दीन खिलजी ने एक और व्यवस्था शुरू की थी दोस्तों, हुलिया दाग और हुलिया प्रथा, सैनिकों और घोड़ों को पहचानने के लिए दाग और हुलिया प्रथा उसने शुरू की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्रथाएं शुरू की थी, जिनमें से कठोर बाजार नियंत्रण वाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, इसको इसने समाप्त कर दिया था। और भी जो कठोर कानून बनाए थे उसको भी इसने समाप्त कर दिया था। उपाधियों की बात करें तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अल इलाम उल इमाम और खिलाफत उल्लाह, ध्यान रखिएगा खिलाफत उल्लाह ये पूछा गया है, इसकी उपाधि धारण की थी। उसने खिलाफत के प्रति भक्ति को हटाकर अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान, ध्यान रखिएगा खलीफा घोषित कर दिया था खुद को। किसने? मुबारक खिलजी ने। प्रश्न पूछा गया बार बार, स्वर्ग तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा उसने अपने आप को घोषित किया था। मृत्यु की बात करें तो देवगिरी तथा गुजरात की विजय से मुबारक खिलजी का दिमाग फिर गया, वो पागल हो गया, एक प्रकार से मदमस्त हो गया और भोग विलास में लिप्त हो गया। वह नग्न स्त्री पुरुषों की संगत को पसंद करता था, कभी कभी इसके बारे में प्रसिद्ध है कि वो नग्न होकर के दरबार में दौड़ लगाता था। उसके प्रधानमंत्री खुसरो खान ने 1320 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह, वही खुसरो खान, नसीरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू से मुसलमान बना हुआ था, कन्वर्टेड था। 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का ये अंतिम शासक था। इसकी हत्या करके दिल्ली सल्तनत में खिलजी का अंत हो गया। इस वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में एक और प्रसिद्ध वंश तुगलक वंश का उदय हुआ। अब तुगलक वंश को देखेंगे, बीच बीच में आप लोगों के कमेंट भी हम पढ़ते रहते हैं। आप लोगों को दोस्तों हमने बताया है कि आपके जो भी लोग हों, ठीक है, आपके परिचय के जिनको आप जानते हो, आप उन्हें अवश्य बताओ कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, ठीक है, जहां पर किसी भी परीक्षा की, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की संपूर्णता में और वेल एजुकेटर जो इतने वर्षों से एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अपना अनुभव आपको प्रदान करते हैं और आपको तैयारी करवाते हैं। तो आप सब्सक्रिप्शन कोर्सेज लेकर के या फिर फ्री वीडियोस के माध्यम से भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से तैयारी अपनी कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी समय बार बार वीडियोस देख सकते हैं। अनलिमिटेड फ्री क्लासेस, अनलिमिटेड पीडीएफ, अनलिमिटेड कोर्सेज आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, जुडिशरी, आईआईटी, पीएमटी, कैट, मैट, सैट सबकी तैयारी यहाँ पर होती है और डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होती हैं, फ्री क्लासेस प्लस क्लासेस भी हैं। यूपीएससी के लिए तो आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया एक रिकॉर्ड है अनअकैडमी के नाम, ठीक है, ऑनलाइन सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने का। तो बेहतरीन टीचर से आप पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे तो पीडीएफ नोट, डाउट क्लियर, एक कंप्लीट आपको कोर्स मिलता है। आप कोई भी कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं, आपको जैसे यूपीपीएससी और यूपीट्रिपलएससी उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आप यूपीपीएससी यूपीट्रिपलएससी में इस फी डिटेल को देख करके 12 महीने या 24 महीने का देखिए कितना कम जो है फी में आपकी तैयारी हो रही है। और UT10 जो रेफरल कोड है मेरा, इसको यूज करके आप और अपनी तैयारी को, मतलब अपना जो है 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा ही, साथ ही आपकी तैयारी में जो हमारी हेल्प हो सकेगी हम आपकी करेंगे। तो आप UT10 का रेफरल कोड का यूज अवश्य करें, जब भी तैयारी करना चाहें, सब्सक्रिप्शन लेना चाहें। तो अनअकैडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आपको अभ्युदय में नहीं जाना हो तो आप अनअकैडमी में जरूर आए हैं, अन्यथा अभ्युदय तो है ही, फ्री कोचिंग उत्तर प्रदेश में शुरू की। चलिए, कहाँ थे भैया, दिल्ली सल्तनत कहाँ चला गया, ठीक है। चलिए कोई नहीं,
जितने बातें बताई हमने इतने ही फैक्ट पूछे जाते हैं, इतने ही आएंगे परीक्षा में। जो इससे अलग आएंगे, मेरी 6 घंटे की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उस 6 घंटे की वीडियो से तो अलग कुछ आना ही नहीं है। अब ये तो एक रिवीजन की तरह है आपका, मोटी मोटी बातें इसमें देख ले रहे हैं आप, अन्यथा उस 6 घंटे की वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री वो अपने आप में एक स्वर्णिम वीडियो है, उसको आप लोग अवश्य देखिएगा। कोई भी परीक्षा आपकी मतलब 90% प्रश्न तो उसमें से आएंगे ही आएंगे। यूपीएससी तक के स्टूडेंट्स वो पीडीएफ मुझसे मांगते हैं, आप समझ सकते हैं कि उस वीडियो का क्या महत्व होगा, मतलब काफी अच्छा उसका रिजल्ट रहा है। एक विज्ञान वाला वीडियो मेरा जो है, एक इतिहास वाला जो है, इन दोनों का रिकॉर्ड रहा है कि 90% या 90% से भी ज्यादा प्रश्न उन दो वीडियो से आते हैं, और पर्यावरण वाला भी, सॉरी जो पर्यावरण वाला है, ये 3 वीडियो एकदम स्वर्णिम वीडियो है। मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा वीडियो इतने कम समय में कोई आपको लाभ दे सकता है। 5 घंटे का पर्यावरण है कंप्लीट, लोग 48-48, 72-72 घंटे के वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं। जो उस 72 घंटे के वीडियो में आपको मिलता है निचोड़, वो उन 5 घंटों में आपको मिल जाता है। इतिहास के 72-72 मैंने देखा 7-7 दिन के वीडियो एक एक पढ़े हुए हैं, तो वो जो निचोड़ देते हैं वो 6 घंटे की वीडियो में आपको प्रोवाइड मैं कराता हूँ, उसको भी 2 की स्पीड में पढ़ेंगे तो 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी का वीडियो है 3.5 या 4 घंटे का है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक भी प्रश्न उससे विलग नहीं आता है, वहीं से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो 3 वीडियो स्वर्णिम है, आपके 40 से 50 प्रश्न प्रीलिम्स में कहीं गए नहीं है वो 3 वीडियोज अगर आप देख लेते हो। उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ रामायण वीडियो करेंट अफेयर्स का, जो आपके परीक्षा के 1 महीने पहले आता है, जो भी आप परीक्षा देते हो। विगत जो आरओ 2016 रहा, मैं बहुत ही उसके लिए मुझे दुख भी है कि उस समय कहीं मैं फंसा हुआ था और रामायण नहीं दे पाया, अन्यथा सभी परीक्षाओं के लिए मेरा रामायण जरूर आता है, इस बार भी आएगा। इस बार ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी जो इस बार थी, मुझको पता है अचानक ऐसा हो गया कि मुझको व्यस्त होना पड़ा कहीं और रामायण तैयार नहीं हो पाया, क्योंकि मैं उसको अपने हैंड से तैयार करता हूँ, ठीक है, और किसी को मैं बताऊंगा तो तैयार कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतना सब कुछ छांटना अपने आप में बहुत ही एक कह सकते हैं ना कि वो बहुत, मुझे खुद नहीं समझ में आता, जब वो बन जाता है तो मुझे खुद ही बहुत पसंद आता है वो, कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, बहुत संतुष्ट होता हूँ, कोई और बनाता है संतुष्ट नहीं होता हूँ मैं, तो इसलिए वो मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, आपकी परीक्षा के 1 महीने पहले बनाकर दे दूंगा। अब मुख्य परीक्षा के लिए रामायण वीडियो भी आएगा आपका करेंट अफेयर्स का, तो मुख्य परीक्षा देने के पहले अर्थात 1 से 1.5 महीने पहले मुख्य परीक्षा के लिए करेंट अफेयर्स का रामायण वीडियो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो दोनों परीक्षाओं के लिए वो अपने आप में एक खास वीडियो होगा, उससे अलग प्रश्न बहुत मुश्किल से 1-2 प्रश्न तो मैं 90% की गारंटी लेता हूँ, 10% की गारंटी नहीं लेता हूँ, 90% प्रश्न वहां से आ सकते हैं, थोड़ा बहुत कम हो सकता है 80% आए, लेकिन 80% भी आप कर लेते हो तो 80% तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, 60% में तो चयन हो रहा है आपका। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा की अभी से तैयारी करिए, आंसर राइटिंग की अब विशेष क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, विशेष मतलब वीडियो, पीडीएफ मतलब उत्तर लेखन चेकिंग के साथ साथ, रिमार्क के साथ साथ अब हम जो मॉडल आंसर होंगे उनको भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग अभी से अगर जुड़ जाते हैं तो आप लोगों का बहुत फायदा हो जाएगा, संपर्क करके पूछ सकते हैं, क्लासेस से जुड़ सकते हैं। वैकल्पिक विषय आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि वैकल्पिक विषय आपका मुख्य परीक्षा के, सॉरी प्रीलिम्स के 1 महीने पहले तक आपका वैकल्पिक विषय तैयार होना चाहिए, नहीं तैयार होगा तो प्रीलिम्स के बाद बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा अपने आप, बहुत ज्यादा सिलेबस है। जीएससी पढ़ने में आप लिप्त रह जाओगे, या तो वैकल्पिक विषय में लिप्त रह जाओगे, जीएस नहीं पढ़ पाओगे। तो वैकल्पिक विषय तैयार रहेगा तो आप विन विन कंडीशन में रहोगे, इस चीज को समझना। हमने कहा बलवंत कहां से आ गए,
खिलजी हो गया था, तुगलक बाकी है। तुगलक को देख लेते हैं। देख लें कि कल देखते हैं, चलिए कल ही देखते हैं। तुगलक वंश कल देखते हैं, महत्वपूर्ण वंश है, थोड़ा ज्यादा फैक्ट होंगे इसमें, है ना। तो तुगलक वंश को एक साथ देखेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। बहुत सारे आपको अगर परीक्षाएं आपने दी हैं तो यहाँ से तो आपको खूब प्रश्न मिलेंगे, खूब फैक्ट मिलेंगे तुगलक वंश से। तो डेली इसी तरह रिविजन होता जाएगा दोस्तों। भूगोल का भी मैंने जिक्र नहीं किया, भूगोल की भी एक वीडियो 5 घंटे की है, 5 घंटे की वीडियो भूगोल की भी है, मैं भूल ही गया। तो भूगोल, इतिहास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और क्या चौथी क्या चीज, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, इतिहास और भूगोल, ये 4 स्वर्णिम वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं और आप उसका लाभ लीजिए। हमारे पास मौजूद हैं, जिसको चाहिए हमसे डिटेल मार्क कर ले सकता है, वीडियोस, पीडीएफ और भी जो भी आपको मदद चाहिए भैया सब ले जाओ, ठीक है ना। चलो बस आप लोग मेहनत करो और सफल हो जाओ। इससे बड़ी क्या बात होगी। भैया अभी प्री आपका बहुत दूर है, जून प्री के लिए क्यों इतना मर रहे हैं आप लोग, प्रीलिम्स के लिए इतना क्यों परेशान है। मुख्य परीक्षा की तैयारी 2 महीने कर लो अच्छे से, काफी कुछ प्रीलिम्स का टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, इकोनॉमी पढ़ लो, जियोग्राफी पढ़ लो, मेंस में काम देगा आपका, प्रीलिम्स में भी काम देगा आपका। इथिक्स मत पढ़ो अभी, बाद में पढ़ना, प्रीलिम्स के बाद पढ़ना, सब्जेक्ट तैयार कर लो अपना कम से कम एक, इतना तो कर लो। इतना अगर नहीं करोगे ना इन 2 महीनों में तो बाद में फिर बर्डन आ जाएगा प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जो अगर आप पहले से कुछ पढ़े हुए हैं ठीक ठाक तो 2 महीने बहुत है, 1 महीने बहुत है, यहाँ 15-15 दिन बहुत, लेकिन अभी चूंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो 1-2 महीने बहुत है प्रीलिम्स के लिए, है ना। स्ट्रेटजी में बताता ही रहता हूँ आपको, कोई बहुत ज्यादा आपको उसमें प्रीलिम्स को जो हवा बना दिया गया, पता नहीं कैसे आप लोगों को गुमराह किया जाता है। यही तो बात है कि गुमराह करने वालों की संख्या, गुमराह करने वालों को फॉलो करने की संख्या जो है, फॉलो करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक अच्छे अनुभव व्यक्ति से आप अगर पूछेंगे, जिनको खास अनुभव होगा थोड़ा बहुत, वो आपको सही उचित बात बताएंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि लोग सही बात ना बता करके आपको गुमराह करते हैं, आप भटकते रहते हो दुकानों के चक्कर या तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के चक्कर लगाते हो, जो काम घर बैठ के बहुत आसानी से 2-4 घंटे में हो सकता है उसके लिए आप पूरा जो है अपना साल भर लगा देते हो, तो वो काम आपको नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे साथ बने रहें जैसे बने रहे हैं, और इन्हीं कमेंट बॉक्स में से लोगों को हमने सेलेक्ट होते देखा है और आप लोगों को भी देखना चाहूँगा। क्लासेस छोड़िए ना, क्लासेस जरूर करिए, आपको मैं बार बार कहूँगा अगर आप क्लासेस पसंद कर रहे हैं तो, नहीं तो मैं जीएस बंद कर दूंगा। मेरा क्या है, करंट अफेयर्स ही मैं बताऊँगा, करंट अफेयर्स ही मैं और ज़्यादा थोड़े से मैटर बढ़ा करके फालतू के करंट अफेयर्स ही पढ़ा सकता हूँ 1-1.5 घंटे समय व्यतीत करने के लिए, लेकिन टू द पॉइंट कराने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को कुछ मिले, कम समय दें, कम एफर्ट में आपको मिले, है ना, कम आपको कोशिश करनी पड़े। मुझे ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, मुझे ज़्यादा छाटना पड़ता है, या फिर जो आपका मटेरियल तैयार करता है वो ज़्यादा छाटता है। ऑलरेडी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तमाम वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनका मकसद होता है कि करेंट अफेयर्स के साथ साथ आप आधे एक घंटे जो हमारे साथ ये देते हो ना, इस 1 घंटे में आपको पूरी नॉलेज हो जाए, एक रिविजन हो जाए आपका जीएस का। डेली आप कम से कम यहाँ पर चर्चा करोगे, मैं चर्चा करूँगा, मेरे से सुनोगे करेंट अफेयर्स के साथ साथ, तो अगर ये मुझको ऐसा दिखेगा तो आप लोग रुचि नहीं ले रहे हो तो उसको बंद, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फेंकने वालों की बाढ़ है,
तो मैं भी फेंकूंगा, ऐसा मैं कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा एक एक स्टूडेंट मेरे लिए बहुत ही महत्व रखता है और उस एक का सिलेक्शन मेरे लिए ज्यादा महत्व है, उसका मेरे लिए ज्यादा महत्व है। इसीलिए टू द पॉइंट देने का हमेशा से प्रयास रहा है, और जैसे जैसे मेरा अनुभव और होता जा रहा है, सीखने की प्रक्रिया जैसे जैसे मेरी हो रही है, वैसे वैसे और ज्यादा मैं आपको टू द पॉइंट ही चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सीखने की प्रक्रिया है, और ये सीखने की प्रक्रिया जो है हमेशा चलती रहनी चाहिए, आपकी भी हमारी भी सबकी। और परम ज्ञान हासिल करना यह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जो कि कभी हासिल हो नहीं सकता है ना। परम ज्ञान हासिल करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जो कि ज्ञान तो समुद्र है, अथाह किसे हासिल हो सका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मिले बांटते जाइए, शेयर करिए, बताइए लोगों को, यही है सबसे बड़ा मेरे लिए गुरु दक्षिणा आप लोगों की, जो ये क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है ना, या जो भी आप समझ लो, गिफ्ट समझ लो मित्र को अपने। चलिए क्लोज करते हैं इस क्लास को। और रुपेश जी, मैंने आपको बताया कि आप संपर्क कर लें, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उत्कर्ष द्विवेदी, जाकर सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा, ठीक है। उत्कर्ष द्विवेदी सर्च कर लीजिएगा, अनअकैडमी उत्कर्ष द्विवेदी लिखा हुआ मिल जाएगा, और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्लोज करते हैं आज।